खबर राजस्थान से है, जहां पर रैणी उपखंड क्षेत्र के राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीना का इस बार टिकट कटने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में क्षेत्र की जनता भारी रोष व्याप्त है। जब क्षेत्र की जनता को पता लगा कि विधायक जौहरीलाल मीना का टिकट काट दिया गया है, तो जनता और कार्यकर्ता सुबह से ही विधायक के घर पर पहुंच गए और विधायक जौहरीलाल को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं। लोकतंत्र में जनता जनादन ही सर्वोपरि होती है। आज तक अभी तक कोई इस चीज का वो नहीं है, कितनी कंप्लेंट कर लो, कोई कुछ कर लो, अलवर जो जितनी भ्रष्टाचारी हुए इनमें कहीं ना कहीं ये अपने मंत्री साहब की और भी इनकी मिली भगत है। और हम तो ये कहते हैं राजगढ़ लक्ष्मण जनता पूरी आश्वासन दे रही है और इतने लोग जब आए तो कुछ ना कुछ तो है, और हम तो ये कहना जिता के भेजेंगे वापस। तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़वाने? हाँ, अगर साहब निर्दलीय चुनाव लड़े थे, पूरी जनता और पूरी राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा जनता पूरी जनता निर्णय कर रही है। आज यहाँ जनता इसी उपलक्ष्य में आई है, वोट देंगे तन मन धन से साहब के साथ है, और साहब को जिता करके भेजना हमारा फर्ज है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत रखा, जिंदा रखा इस विधानसभा में माननीय जौहरीलाल मीणा जी ने, इतने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा अलवर जिले की सर्वाधिक वोटों से जीत करके गए थे। और भंवर साहब से मैं निवेदन ही करना चाहता हूँ कि आपने जो ये फैसला लिया है, इस फैसले में माननीय जौहरीलाल मीणा जी ने जिस स्थिति में आप लोकसभा का चुनाव हार तो गए, बेसिक ये राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा थी जो पूरे राजस्थान में चर्चित थी कि माननीय जौहरीलाल मीणा जी ने यहाँ से उन्हें जिता कर भेजा, जो ये फैसला लिया है ये बहुत गलत लिया है। इससे कांग्रेस पार्टी ने योजनाएं अच्छी चलाई, लेकिन ये टिकटों में जिस तरीके से वितरण किया है, ये आज ये जनता माननीय जौहरीलाल मीणा जी ने नहीं बुलाई, ये जनता खुद चल के आई है। उनसे खुद जनता कहना चाहती है कि आप चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ है, ये मैं युवा शक्ति हमारे साथ है। ये आप देख लीजिए, जौहरीलाल जी ने नहीं बुलाया, हम खुद चाहते हैं कि जौहरीलाल जी को फिर से वही तरीके से 30,000 नहीं, अब की बार प्लस करके हम जिता विधानसभा में भेजेंगे। और इन ये पैसे की वजह से ये कांग्रेस पार्टी को नरक में भेज दिया, वो खुद कभी एक महात्मा के सामने चुनाव हार गया और वो आज ये स्थिति कर दी कांग्रेस पार्टी की। हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे मंत्री हो कोई भी हो, सरकार बचाने का काम में जौहरीलाल मीणा सबसे आगे गया था। पार्टी के लिए दुनिया की चप्पल जूते घिसती है, जौहरीलाल मीणा के पैर घिस गए ये देख के। हर गांव मोहल्ले में आप जाके सर्वे देखिए, गांव मोहल्ले डाणी डाणी में युवा महिला बुजुर्ग युवा साथी सब माननीय जौहरीलाल मीणा के व्यक्तिगत आदमी है। आज पूरे विधानसभा में आपको पता होगा किस तरीके का माहौल क्रिएट हो गया, पूरे राजस्थान में एक ही आकार है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की पूरी उम्र इस परिवार ने पूरी उम्र दी है कांग्रेस पार्टी को। मुझे खुद को पता है कि रात में मैंने खूब एमएलए देखे, एमपी देखे, रात की 12 बजे अगर एमएलए साहब को फोन करते हैं तुरंत दौड़ के आते हैं, कभी अंदर एसी में नहीं गए, कभी मकान में नहीं बैठे, ये छपरा में जनता की सेवा की है, जनता के बीच में गए हैं। आप उम्र की बात करते हो, उम्र की बात पागल है कि आज भी दौड़ में लगाओ तो सबसे आगे जाएगा। अरे उम्र की तो छोड़ो, जो फोन तक नहीं उठाते ऐसे मंत्री हमने देखे हैं। और ये जौहरीलाल मीणा जी एक हलो पे काम करते हैं जनता को, कितनी कॉलेज दिए, कितने हॉस्पिटल दिए, दो दो नगर पालिका बना दी, हमें विकास चाहिए, उम्र से हमें कोई मतलब नहीं है। मुंह तोड़ जवाब देंगे इन लोगों को। जिस तरीके से पार्टी से महासचिव हूँ और नगर परिषद में नगर पालिका का वार्ड पार्षद भी हूँ, जो एमएलए साहब का पार्टी ने टिकट काटा है एक और अपराध किया है, पहले भी टिकट काटा था भंवर साहब ने, तो भंवर साहब को जनता ने सबक सिखाया था 2013 में। और फिर हम यही कहते हैं कि अब की बार भी भंवर लाल जी को सबक सिखा के भेजेगी जनता, और ये घोर अपराध किया है इसका सबक भंवर लाल जी को भुगतना पड़ेगा। जौहरीलाल जी का टिकट काटा है, ये पूरे अलवर जिले की सीट एक भी सीट नहीं आएगी कांग्रेस की, ये बहुत अच्छा नहीं किया, ये गलत किया है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ये जनता आज यहाँ ये एक ऐसा निर्णय लेगी जो पूरी जनता में खुशी की लहर दौड़ेगी। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक जौहरीलाल जी मीणा साहब, इन्होंने सचिन पायलट साहब ने इनको पूरा ऑफर दिया, 50 करोड़ रुपए के इन्हें ठोकर दिए, जबकि पीसा लेने तो ये सब जनता जानते हैं ये भी ले सकते थे, लेकिन इन्होंने पार्टी की बदौलत इन्हें एक रुपये नहीं लिया, सरकार बचाने में इनका पूरा सहयोग रहा है। और इनके 80 साल की उम्र में बीजेपी की मिलीभगत टीकाराम जूली की मिलीभगत से इनका बलात्कार लगा है, और टीकाराम जूली आपके अलवर ग्रामीण से बुरी तरह चुनाव हारेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अलवर जिले से एक सीट नहीं आएंगी, और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की बात की है, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होगी,
पिछली बार 9000 पे सिमटे सीला कैंडिडेट को, अब की बार 5000 से ऊपर कांग्रेस का टिकट नहीं जाएगा और यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर जाएगा विधानसभा में। ये राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की बच्चे बच्चे के मुँह पे जौहरीलाल जी है। जो हमारे सिटिंग MLA जौहरीलाल जी थे उनका टिकट काट के मांगेलाल जी को दे दिया है, जबकि हमारे जौहरीलाल जी ने हमारे इलाके में चौमुखी विकास किया है, हमारी इच्छा थी ये है, तो पार्टी ने इनके साथ धक्का किया है, इसलिए इस रोष में यहाँ हम MLA साहब के हुए कि वे तो टिकट देते हैं और टिकट पे मोहर जनता लगाती है, तो उन्होंने दे दिया तो कोई बात ना है, आप लड़ो, जनता की इच्छा है कि भाई हम टिकट पे मोहर लगा कर इनको हमारा टिकट से हम बेचेंगे, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। जब ये निर्दलीय लड़े थे तब हमने भी पहले वो समर्थलाल जी इनको समर्थन कर दिया था हमारे गांव ने, पर वो सुबह ही समर्थलाल जी आ गए और समर्थलाल जी को फिर हमने कि भाई वोट तो हमने कटवा दिया है और माता श्री गोमती देवी से और इसको लानी है लाइन, पर उनने कि भाई आपके जिता दो मैं आपके जरूर ले दूंगा और वह महादेव जी की पिंडी के हाथ लगा शकुन खाको मंदिर में चढ़ा दिया और वह खो ले आई। फिर वह 5 साल बाद इनको टिकट मिल गई, ये हमारे आए गांव में, हमारे गांव में 150 आदमी ले रहा है समरलाल जी, हमने कह दी कि बोर्ड जौहरीलाल का तू विधानसभा अध्यक्ष रहे चाहे गांव में से निकाल दीजो कुमार खमामन की। समरगढ़ की जनता है और ये जनता इसलिए है ये कि मेरा टिकट एंड टाइम कटा है, उससे हमारी जनता को भारी आक्रोश है, रोष है, जोश है। मैं मेरे कार्यकर्ता बगैर बुलाए उस जोश को जब रात को TV में देखा और सूची देखी तो जिसके बाद में ये लोग ज़्यादा व्याकुल हो गए, ज़्यादा दुखी हो गए और ये सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए मुझे मार्गदर्शन देने के लिए और मुझे हिम्मत बनाने के लिए। मैं मेरे जब बात है चुनाव लड़ने के बाद मेरे यही मैं हूँ, मेरे आदमी हैं, मेरे वर्कर हैं और मैं ही कांग्रेस और यही कांग्रेस है और कांग्रेस को यह नहीं, कांग्रेस ये झोरेलाल जी कांग्रेस कार्यकर्ता ही कांग्रेस है। ये लोग जो कहेंगे उनके अनुकूल मेरा फैसला होगा और फैसला करने मैं भी इनसे पूछूंगा, आए हैं मुझे हिम्मत बंधाने के लिए, आए हैं मुझे सलाह देने के लिए, इनकी सलाह मुझे मिलेगी और ये कहेंगे जो का उस इनके मार्गदर्शन पर मैं चलूँगा, ये कहेंगे चुनाव लड़ाएंगे, ये कहेंगे नहीं चुनाव लड़ने या किसी और को लड़ाने, ये सारी व्यवस्था इन लोगों के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। आप क्या अगर जनता आपका समर्थन करते हो तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? ये मेरे जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता जो आदेश देंगे इस तरह करूँगा। अलवर से अशोक कुमार मीना की रिपोर्ट TV1 इंडिया न्यूज़।